आजा तेरी बाट थी। कुछ से टाइम पहला अमित सैनी रोहतकिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक स्टोरी लाई थी कि उसने इंस्टाग्राम पर लाइव आना था पर उसके अकाउंट से यह चीज़ बैन कर दी गई है। तो पूरा मामला क्या है उसकी बात इस वीडियो में करांगे। तो बात कुछ इसी है कि कुछ ठीक ठाक से 16-17 महीने पहला अमित सैनी रोहतकिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसके एटर्स ने घनी सारी रिपोर्ट मरवा दी थी, जिस कारण उसका अकाउंट इंस्टाग्राम पर डिलीट भी हो गया था। पर फिर फैंस के सपोर्ट और उसकी कुछ बातचीत के कारण वो अकाउंट उल्टा भी आ गया था। यो सारा जकरा अमित ने एक गाने में भी कराया था, इस लेंथ है करया इंस्टा डिलीट रे रिपोर्ट मार के फिर ठालिया अकाउंट रे सपोर्ट मार के। कमेंट में अमित सैनी रोहतकिया लिख के न्यू बताइयो कि यह लाइन कौन से गाने की है। तो इब फिर तय थोड़ा थोड़ा ईजाई सीन हो रहा है। अमित सैनी ने अपने इंस्टा पर स्टोरी लगा के न्यू बताया है कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर 17 अप्रैल ने फिर तक कुछ रिपोर्ट मारी गई है, जिस कारण उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर तय लाइव आने का ऑप्शन हट रहा है और न्यू कह सका कि लाइव आना बैन हो रहा है। और साथ में न्यू भी लिखा गया है कि 5 महीने एफिडेविट नाम तय गाना आने लग रहा है जो कि संभालन की कही गई है। और इसके बाद इन रिपोर्ट मारने खातर न्यू भी लिखा गया है कि लड़न का भी एक टाइम हुआ है, पूरा मौका देवांगे, एक बड़ा सा सांस आ लेने दे, भाईचारा जिंदाबाद। इसके बाद में फिर एक वीडियो की फॉर्म में पोस्ट घेरी गई है जिसमें न्यू बताया गया है कि नया गाना एफिडेविट 5 महीने आने लग रहा है। तो हजार हजार कमेंट कर दियो। राम राम जी, नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना अमित सैनी रोहतकिया 5 तारीख ने तड़के 10 बजे अपने चैनल पर गाना आने लग रहा भाई एफिडेविट। तो भाई पहला की डाल सारे भाई हजार हजार कमेंट कर दियो और जितना भी हो सके गाने ने शेयर करियो। जय राम जी की करियो भाई सपोर्ट। तो इन्हें रिपोर्ट मारने वाले के बारे में थारा के कहना है कमेंट में बताइयो। इस छोटी सी वीडियो में इतना ही था। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो के गेल। इतने राम राम।